दोस्तों, ऋषि कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और लोगों को काफी लंबे समय तक एंटरटेन भी किया। जिनकी कई फिल्में आज भी लोगों के दिलों दिमाग में बसी हुई हैं और इन्होंने अपनी एक्टिंग के बलबूते पर ना सिर्फ लोगों से प्यार हासिल किया बल्कि खूब दौलत शोहरत भी हासिल की। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप अभिनेता ऋषि कपूर की बेहतरीन एक्टिंग और इंटेलिजेंसी से वाकिफ है, पर क्या आप ऋषि कपूर की दौलत शोहरत और मृत्यु तक के सफर के बारे में जानते हैं? शायद ही जानते होंगे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऋषि कपूर की दौलत शोहरत और मृत्यु तक के सफर के बारे में बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभिनेता ऋषि कपूर ने बॉबी, चांदनी, तवायफ, कुली जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम करके आज 256 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली थी और उसी पैसे से इन्होंने मुंबई में एक आलीशान घर खरीदा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा आलीशान नजर आता था। और इनके घर में हर एक चीज की फैसिलिटी अवेलेबल थी, जिनके इस घर की कीमत तकरीबन 10 करोड़ है। इतना ही नहीं, जब ये जिंदा थे तब ये अपनी लाइफस्टाइल पर भी काफी पैसे खर्च करते थे, जहां ये पैंट शर्ट और कोट पैंट पर 50 से 80 हजार उड़ाते थे, जिसके साथ इन्हें ब्रांडेड शूज कैरी करना बेहद पसंद था जिसमें गुच्ची जैसे ब्रांड शामिल होते थे। वहीं इनकी लग्जीरियस लाइफ में चार चांद लगाती हैं इनकी लग्जीरियस कारें। जी हां, इनके पास ऑडी Q7 और BMW, थार और जैगवार जैसी कई गाड़ियां थी। बात करें इनके शोहरत की तो आपको बता दें, यूं तो इन्हें इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पर नहीं देखा जाता था, पर इनके आज लाखों फैन पेज है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी शोहरत भी कुछ कम नहीं थी। बहुत ही कम समय में एक्टिंग की दुनिया में महानायक बने ऋषि कपूर जी का जन्म 24 सितंबर 1952 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं से ही सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। लेकिन बात करें इनकी मृत्यु के सफर तक के बारे में, तो यूं तो ये बहुत फिट एंड फाइन थे। बढ़ती उम्र में भी ये अपनी हेल्थ को लेकर काफी सतर्क रहते थे, अच्छा भोजन व्यायाम करते थे। बावजूद इसके ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कपूर जी को ल्यूकेमिया नाम का जानलेवा कैंसर हुआ था, जिस वजह से इनकी हालत काफी नाजुक रहने लगी थी, जिसके इलाज के लिए ये अमेरिका गए थे, जहां पर 1 साल तक इनका इलाज चला था, जिसके सफल इलाज के बाद ये 26 सितंबर 2019 को भारत लौट आए थे। हालांकि इन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण 29 अप्रैल 2020 को सर HNN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये नहीं बच पाए और 30 अप्रैल 2020 को सुबह 9:15 बजे इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद चंदनवाड़ी शमशान में इनका अंतिम संस्कार किया गया और इनकी राख को बटगंगा में विसर्जित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आप ऋषि कपूर की दौलत शोहरत और मृत्यु तक के सफर के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।